तो दोस्तों इसका अभी हमने क्या है, स्पार्क प्लग निकाला है, ठीक है, सर्विस के ऊपर की वीडियो जो थी, तो स्पार्क प्लग निकाल, तो स्पार्क प्लग की हालत देखो भाई साहब इसकी कैसी आ रही है। तो ये रहा इसका स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग देख लो भाई साहब पूरा काला, अत्यंत गंद। भाई साहब कितना माइलेज दे रही होगी आपके हिसाब से? तो दोस्तों आयरन प्लग की बात करते हैं इसकी, तो माइलेज के ऊपर बात करें तो ये दे सकते हैं गाड़ी महिंद्रा की है वैसे तो, और बाकी कोई सी भी गाड़ी हो ब्लैक की कंडीशन दे सकते हैं आप, बिल्कुल ये ब्लैक हो रहा, तो इसका मतलब ये तुम्हारा जो है पेट्रोल डाटा खा रही है गाड़ी। चलो बोलो। तो दोस्तों जैसे कि एक होता कस्टमर के दाम से कि भाई हमारी गाड़ी माइलेज नहीं दे रही, हम कहते यार माइलेज इंजन सही है ठीक है, तो माइलेज का जो पता लगता है आप हिसाब किलोमीटर से पता लगा सकते हैं कैसे, तो इसमें रिजर्व मैन का तो पता लगता नहीं है, रिजर्व मैन जितनी चल गई मैन में, तो इसका प्लग खोल का आप चेक करके देख सकते हैं ब्लैक इसका बिल्कुल काला निकल रहा है, तो इसका मतलब ये हमारी पेट्रोल दादा खा रही है गाड़ी, तो पेट्रोल दादा ले रही है। तो जिसका प्लग इस तरीके से निकलता है गाड़ी कोई सी भी हो, स्कूटी हो या मोटरसाइकिल हो, कार ही क्यों ना हो, जिसका प्लग इस तरीके से निकला तो हम लोग उसका माइलेज बिगड़ा हुआ है, पेट्रोल दादा ले रही है, तो अभी सर इस पाइप ब्लैक क्लीन करके धो के पेट्रोल से साफ करके लगाएंगे, उसके बाद हम इसका बताते हैं एवरेज किस तरीके से हमें सेट करना है, उसी तरीके से हम माइलेज सेट कर सकते हैं, और उसके बाद आप प्लग खोल के देखना तो आपका प्लग बिल्कुल ऐसा निकलेगा, बिल्कुल कार्बन नहीं होगा, बिल्कुल साफ प्लग निकलेगा इसका, तो ये प्लग जो है ना जिस वो इसी भी हुआ, अगर ये प्लग काला निकल रहा था समझ लो आपकी गाड़ी का माइलेज बिगड़ा हुआ। तो इस टाइम अगर हम माइलेज की बात करें तो इसका 25 से 30 के बीच का माइलेज होगा गाड़ी का, जिसे प्लग बता रहा है। तो दोस्तों जैसे आप भाई साहब ने बता दिया था कि इसका जो प्लग है वो किस तरीके से निकल रहा था, तो 25 से 30 का माइलेज, लोग क्या है भाई महिंद्रा को जो देखो, मैं भी अगर सही बताऊँ बदनाम वाला सीन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, जेन्युइनली मैं भी चला रहा हूँ, मुझे तो मेरी गाड़ी आराम से 45-50-55 तक का भी माइलेज निकाल देती है, लेकिन क्या है देखो ये होता है कि सर्विस टाइम टू टाइम होने की बात होती है। तो अभी क्या हमने इसका जैसे आपने कार्बोरेटर वाली वीडियो देखी थी, तो कार्बोरेटर वाली वीडियो के बाद अब हम क्या इसका स्पार्क प्लग अच्छे तरीके से क्लीन करके फिर वो इंस्टॉल करेंगे, जो लिखना पड़ेगा। तो देख लो इसका स्पार्क प्लग देखो अच्छे तरीके से साफ करके इसको वापस इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, और ये अपना इधर के साइड पे स्टॉल मतलब जाएगा। तो देख लो इसके अंदर स्पार्क प्लग डाल के प्रॉपरली हमने इसकी सर्विस कर दिया, ठीक है, और थोड़े से टाइम के लिए हमने इसको वार्म अप होने के लिए छोड़ दिया ताकि जो इतना भी इसका ऑयल वॉयल है वो सारी तरह सर्कुलेट हो जाए। और अभी क्या है इसका कर दिया, अब हमें आपको बताते हैं इसका एवरेज कैसे सेट करना गाड़ी का। तो दोस्तों वैसे तो हो सकता है तो मिस्त्री से सेट कराएं एवरेज, कहीं दिक्कत ना हो आपको फिर बता रहा हूँ मैं, जैसे कहीं नहीं हो पाते हैं मिस्त्री का, कुछ वीडियो ऐसी होती है हमारे पास आते हैं कि भाई मिस्त्री दूर है काफ़ी नहीं हो टाइम नहीं मिल पाता, तो मैंने आपको पहले बताया ये अपना रेस की थोड़ी सी हमें फास्ट करनी है। तो देखो देश बढ़ा के गए, हमें गाड़ी को थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देना है, ठीक है, छोड़ने के बाद दिखाता हूँ हम लोग। उसके बाद रेस हमने बढ़ा दी है, अब ये इसका एयर का जो स्पेट होता है आप देख सकते हैं यहाँ गिरा, तो इसे पूरा कर देंगे पहले, तो जो एयर वाला पेच है इसको पूरा अच्छे तरीके से कस देना है, ठीक है, इसको टाइट करके पूरा टाइट कर देना है, ठीक है, इससे क्या देखो तुम्हें आवाज़ में के अंदर भी गाड़ी के अंदर एग्जॉस्ट के अंदर भी फ़र्क पता चल गया होगा कि एग्जॉस्ट की जो रेस है वो भी थोड़ी कम हो गई है, ठीक है, हमारी स्पीड कम हो गई इंजन की, और हमें भी इसे आराम आराम से खोलना एक स्टूडी करके, जहाँ भी हमारी इंजन की स्पीड ज़्यादा रहेगी हमें बिल्कुल वहीं छोड़ देना, तो जहाँ अपने इंजन की स्पीड ज़्यादा रहेगी साउंड ज़्यादा रहेगा, ये कसम है, अब इसे हम होले होले खोलते हैं। तो जैसे देख लो इसका एक स्टूडी खोल दिया, ये हमने खोल दिया दो स्टूडी, धीरे धीरे खोलते रहेंगे इसका RPM गाड़ी का बढ़ता रहेगा, तो जहाँ सबसे ज़्यादा आपको लगे RPM की हर फास्ट है वही हमें छोड़ देना। तो देखो यहाँ से बढ़ाने के बाद फिर यहाँ से कम कर देना, ठीक है, उसके बाद क्या है अब तुम्हें इतनी इसका RPM रखना है जितना कि गाड़ी तुम्हारी चलते चलते बंद ना हो, ठीक है, इतना इसका RPM सेट कर दो ताकि क्या जो गाड़ी आप देखो इतना RPM पे अपना सही है, ये इस तरीके से प्रॉपरली सेट हो गई है, ठीक है।